झुंड का मुखिया सबको खुराक के लिए दलदली इलाके की तरफ ले जा रहा है और बकारी चुपचाप पीछे चलता रहता है। किसी झगड़े से बचने के लिए ये सुबीरा और मुखिया से दूरी बनाए रखता है। यहाँ खुराक की कोई कमी नहीं है तो सभी जल्द ही रिलैक्स हो जाते हैं, बकारी के सिवा। ये इस आवाज का मतलब जानता है। सुबीरा को समय रहते ना बचाया जा सका, लेकिन ऐसे में बकारी करता भी तो क्या। सुबीरा ने इसे बहादुर बनाया, इसने बकारी को लड़ने की वजह दी। इसका बच्चा अकेले जिंदा नहीं रह पाएगा। बकारी इसे अकेला छोड़ नहीं सकता, लेकिन ये जो फैसला कर सकता है करता है और इस बच्चे को अपना मान लेता है। लेकिन ये भला इसकी परवरिश करेगा कैसे? इन दोनों के सामने एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में कुछ तय नहीं। हमारी इस सरजमी पर किस्मतें पलक झपकते बदल जाती हैं। किसी एक की हरकत का असर हम सब पर पड़ सकता है।